नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं BNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा निर्देश दिए जाने के बाद भी दिसंबर जिले में किसी थाने द्वारा खनन माफिया, मिलावट शराब और CKT माफिया के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई। इस बात का खुलासा बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित अपराध समीक्षा मीटिंग बैठक में हुआ। SP ऑफिस में आयोजित क्राइम मीटिंग में तय हुआ कि जब SP वीरेंद्र सिंह द्वारा थाना व अपराधों की समीक्षा कर रहे थे, माफिया के खिलाफ किसी भी TI द्वारा कार्यवाही न किए जाने पर SP ने नाराजगी जाहिर करते हुए जिले के सभी थानों के TI शो का नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं कि पिछले कुछ माह में जिले में शराब तस्करों एवं हीरोइन तस्करी जोरों से चल रही है। अवैध खनन भी जोरों से किया जा रहा है। अवैध रेत उत्खनन के लिए तो गढ़वा और चितरंगी और बैढ़न थाना क्षेत्र के ये खुटार चौकी पूरे जिले भर में बदनाम है। SP की लाख कोशिशों के बाद भी इन दोनों स्थानों एवं खुटार चौकी प्रभारी रेत माफिया पर लगाम लगाने में पूरी तरह से असफल है। खुटार चौकी अंतर्गत प्रिया ने कहा जा सकता है कि चौकी प्रभारी एंट्री लेकर रेत माफियाओं को अभयदान देते हैं, क्योंकि यहां 8 बजे से रात से ट्रैक्टर चलना शुरू हो जाते हैं। चितरंगी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चल रहे अवैध शराब के कारोबार पर लगाम ना लगा पाने पर SP ने चितरंगी थाना प्रभारी DN राज को जमकर फटकार लगाते हुए निर्देश दिया कि शराब की अवैध बिक्री पर रोक नहीं लगाई गई तो सख्ती से कार्यवाही की जाएगी। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए BNN न्यूज़।